गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड पढ़ेंगे, दैट इज टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, और उसका टॉपिक पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और उसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो सैक। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हैप्लॉइड मेगास्पोर जो होता है वो डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनाता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड पर एक सेल और दो सिनर्जिड सेल्स या एग एपरेटस पाया जाता है। बीच में सेंटर में दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो कि फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, और कैलाजल एंड की ओर तीन एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। यानी एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे ऊपर की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपरेटस प्रेजेंट होता है। एग एपरेटस में एक एग सेल और दो सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एग को घेरे रखती हैं। एग सेल जो होती है ये नाशपति या ओवल शेप्ड आकार की होती है। इसका बेसल पार्ट चौड़ा होता है। इसमें साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके ऊपरी भाग में एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है। दूसरा है इसमें सिनर्जिड्स। सिनर्जिड सेल्स दो होती हैं जो कि एग सेल को दोनों तरफ से घेरे रखती हैं। इनकी लंबाई जो होती है वो एग सेल से थोड़ी छोटी होती है। इनमें न्यूक्लियस के नीचे जो है यानी सिनर्जिड का जो बेसल पार्ट है वो वैक्यूल द्वारा घिरा रहता है, और ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ये अल्पजीवी होती हैं। जब पोलन ट्यूब बनती है तो वो इन सिनर्जिड सेल से ही बाहर आती है, यानी पहले सिनर्जिड सेल में ही प्रवेश करती है। इसलिए फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, और जो दूसरे सिनर्जिड सेल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाती है। अब है पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लियस। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सेंटर में आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यानी माइक्रोपाइलर और कैलाजल एंड दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर की ओर ट्रांसफर हो जाता है या स्थानांतरित हो जाता है, जिन्हें कि हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म मदर सेल बनाते हैं। दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक समान आकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी जो माइक्रोपाइलर एंड वाला न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है। हालांकि कुछ स्पीशीज में कैलाजल एंड वाला न्यूक्लियस बड़ा होता है। ये दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज होते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के टाइम या फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें फ्यूजन हो जाता है।
तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है ये या तो एग सेल के नीचे प्रेजेंट होता है या सेंटर में प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल्स के बीच में भी वैक्यूल पाई जाती है। तीसरी है एंटीपोडल सेल्स। कैलाजल एंड की तरफ जनरली तीन एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स भी अल्पजीवी होती हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट हो जाती हैं और ये हैप्लॉइड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक जो होता है ये होमोजीनियस पैरेन्काइमाटस सेल से घिरा रहता है, जैसा कि कल आपने ओव्यूल के डायग्राम में देखा था। तो ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो सैक है ये अपना न्यूट्रिशन जो है इन आसपास की सेल से प्राप्त कर लेता है। ये इन सेल से अपना न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये जो आसपास की सेल्स जो होती है इनमें स्टार्च, प्रोटीन, फैट और शुगर आदि उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और अगर इनका न्यूट्रिशन समाप्त भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये जो इंटेग्यूमेंट के अंदर वाली सेल्स जो होती है वो बड़ी हो जाती है और उनमें न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जैसे शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, फैट आदि प्रेजेंट होते हैं और ये जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, और जो अंदर वाली लेयर जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उसे हम टैपेटम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिट सेल्स ये एग सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्योंकि ये दोनों तरह की सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, इसलिए न्यूट्रिशन का जो काम है वो माइक्रोपाइलर और कैलाजल होस्टोरिया करते हैं। कुछ प्लांट्स में जो एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं ये भी न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। वैसे ये मोस्टली न्यूट्रिशन के कार्य को और अधिक सक्षमता से होने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। थैंक यू।